नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन नव भारत स्टडी सर्किल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने आज मैजिक मैथ की जो क्लास है वो लेकर हाजिर हूं। और ये मैजिक मैथ में आज हम पढ़ेंगे पहाड़े टेबल्स। ठीक है, अक्सर छोटे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, बड़े को भी प्रॉब्लम रहती है कि हमें पहाड़े याद नहीं होते। तो पहाड़े याद नहीं होते, पहाड़े हम काउंट करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तब भी हमें सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती और हमसे गलतियां हो जाती है। मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक के द्वारा आप पहाड़ों को याद कर सकते हैं, आप टेबल्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उस ट्रिक की ओर, जिसमें आप 99 तक के जो टेबल्स हैं, पहाड़े हैं, वो सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज हम एक 12, ठीक है, 12 की टेबल सीखेंगे। 12 में आपको यहां पर टू डिजिट है, फर्स्ट डिजिट 1 एंड सेकंड डिजिट इज 2। हम इन दोनों डिजिट को अलग अलग वे के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जो है इसके डिजिट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों ये तो हमें पता है, काउंटिंग हमें आती है। ठीक है, अब चलते हैं हम 2 के डिजिट की ओर, हमें 2 की टेबल तो आती है। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 10 20। देखो कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल, जो भी टेबल दी हुई है। ठीक है, तो उसकी टू डिजिट कर ली, सबसे पहले मैंने 1 एंड सेकंड डिजिट इज 2, दोनों डिजिट की अलग अलग टेबल्स को लिख लिया। ओके, अब करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर देखो ऐड करते जाओ, दोनों को मिलाते जाओ, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, देखो बन गया, 12 3 जा 36, देखो देखो बन गया, 12 4 जा 48, 48 बन गया, 12 5। देखो यहां पर प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ, अब तक तो टू डिजिट था, अब तो सर डिजिट बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो कुछ नहीं, इसका जो इधर वाला जो डिजिट है, जो सेकंड दहाई वाला जो अंक जिसे हम कहते हैं, टेंस वाला जो अंक जिसे हम कहते हैं, नंबर इसे कहते हैं, उसको ऐड करना है। तो 5 प्लस 1, देखो इसमें जो ये वाली सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, ठीक है, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 5 और 1 6, तो ये हमारे सामने 6 लिखा और 0 का 0, 6 प्लस 1 7, 7 और 2 का क्या लिखा हमने, 2 लिखा। फिर देखिए 7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8, तो 7 प्लस 1 8 प्लस, उसके साथ में क्या बिठा दिया, 4, तो 84, 8 प्लस 1 9, तो 9 के साथ में क्या ऐड किया, 6। फिर बात करते हैं 9 प्लस 1 10, और क्या ऐड किया उसके साथ में, क्या हमने जोड़ बिठा दिया, 8, तो 108। और 20 में हमने क्या ऐड किया, 10 में क्या ऐड किया, 2, तो क्या बन गया, 12। देखें हम 12 की टेबल एक बार पढ़ते हैं, 12 की टेबल क्या है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48,
12 5 60 12 6 74 12 7 84 12 8 96 12 9 108 और 12 10 120। तो बच्चों मजा आया, पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट बना हमारा। तो ये हमारी मैजिक ट्रिक्स है, ये हमारी मैजिक क्लास है। अब तक हम टेबल्स जो थे उनको रटते थे, ठीक है, हमने एक छोटी सी ट्रिक सीखी और उस ट्रिक से हमने टेबल बनाई और इस मेथड से हम 99 तक के जो टेबल्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। 99 तक के जो पहाड़े हैं हम उनको इस ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर, दूसरी पहाड़ी की ओर। फिफ्टीन की जगह चेंज करते हैं 22। ओके 22, वही इसको टू डिजिट में चेंज किया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। तो ये हमने क्या लिखा, टू की टेबल लिखी। चलिए इधर भी लिखते हैं टू की टेबल, सेम 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो बच्चों हम 22 हमने पिछली अभी 12 की टेबल सीखी, अब हम 22 की टेबल सीख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखते हैं वही मेथड, जहां जहां पर सिंगल डिजिट आ रही तो हमें कुछ नहीं करना, केवल उनको साथ साथ बिठाना है। तो 22 2 जा 44, 22 3 जा 66, 22 4 जा 88। तो यहां तक तो सिंगल डिजिट थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डबल डिजिट आ रही है तो डबल डिजिट में क्या करना है, बताया था आपको मैंने कि ये जो सेकेंडरी जो नंबर है, पीछे वाला जो नंबर है, इसको इसमें क्या करना है, आपको ऐड करते हुए चलना है। 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11। तो हमने लिखा 10 प्लस 1 11 और 0। तो 25 22 5 जा 110। आगे चलते हैं 12 प्लस 1 13, और नेक्स्ट क्या लिखा हमने 2 14 प्लस 1 15, और क्या लिखा आगे 4 16 प्लस 1 17, और नंबर इज 6 18 प्लस 1 19, और क्या लिखा 8 एंड 20 प्लस 2 देन 22 एंड 0। तो ये हमारे लिए तैयार हो चुकी है 22 की टेबल। तो 22 1 जा 22 22 2 जा 44 22 3 जा 66 22 4 जा 48 22 5 जा 110 22 6 जा 132 22 7 जा 154 22 8 जा 176 22 9 जा 198 and 22 10 जा 220। तो ये हमारे पास टेबल बन करके तैयार हो चुकी है। 22 21 22 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
तो ये हमने सीखी आज की ट्रिक में कि पहाड़े टेबल्स जो हैं वो कैसे हम बना सकते हैं। कोई सा भी पहाड़ा हो, कोई सी भी टेबल हो, 99 तक की टेबल्स की फुल गारंटी है। ठीक है,
तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस आज के मैजिक मैथ के अंदर भी बच्चों आपको एंजॉय आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको मेरी क्लास में मजा आया, अगर आप मेरी क्लास से बिल्कुल वास्तव में सेटिस्फाइड हैं, तो बिल्कुल कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें और इस मैजिक मैथ का आनंद ले सकें। तो चलते हैं बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।